शहर में पिछले 30 साल से जाम पड़ी हुई सीवर लाइनों की हालत अब सुधरने वाली है। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कोष से जारी 2 करोड़ की कीमत से खरीदी गई सुपर मशीन सीवरों की सफाई के लिए भाजपा नेता टिपरचंद शर्मा ने नगर निगम को भेंट दी है। इन मशीनों के अलावा एक जेसीबी मशीन भी नगर निगम को सौंपी गई है। दिखाई दे रहा है नजारा बल्लभगढ़ स्थित अंबेडकर चौक के समीप का है, जहां भाजपा नेता टिपरचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ एसडीएम राजेश कुमार की मौजूदगी में नारियल फोड़कर इन मशीनों को नगर निगम के हवाले कर दिया। इस मौके पर उनके भाजपा ओबीसी मोर्चा की जिला महामंत्री योगेंद्र उर्फ बुद्धा सैनी के अलावा पार्टी के तमाम पदाधिकारी और तमाम 8 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। इस मौके पर बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा के भाई टिपरचंद शर्मा ने बताया कि अब शहर वासियों को सीवर जाम होने की समस्या से निजात मिल पाएगी। उनकी माने तो मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये मशीन इन्हें स्थानीय विधायक को दी है। इसके अलावा एक जेसीबी मशीन भी बल्लभगढ़ नगर निगम को सौंपी गई है। इस मौके पर काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज जो मशीनें दी गई हैं हमने, 2 मशीन सुपर थोकर जो पिछले 30-40 साल से कमी थी बल्लभगढ़ में, सीएम अनाउंसमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक जी को सौंपी है। क्या काम रहेगा इन मशीनों का? सिविल मशीनों को सिविलों का साफ करने का रहेगा। जो 30 साल से जाम पड़ी थी बल्लभगढ़ की, उसे निजात मिलेगा। कितने वार्डों के लिए मशीनें और भी आएंगी, क्या है सारा? पूरी विधानसभा के लिए आई हुई है। 8 वार्ड है हमारे, 8 पार्षद हैं हमारे यहाँ मौजूद। सबके लिए मशीन पहले हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक जी ने बड़े अथक प्रयास से 2 मशीन यहीं के लिए सौंपी। कितनी कीमत होगी पंडित जी? 2 करोड़ के। एक जेसीबी भी है, इससे पहले 8 ट्रैक्टर 8 ट्रॉली 8 टैंकर हमको मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं।